यूपी के रामपुर में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी देखने को मिली है, जहां पर बिना मान्यता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को शिक्षा दी जा रही है और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन को भनक तक नहीं है। यह मामला रामपुर के गांव बेहपुरा का है, जहां पर केआर जूनियर हाई स्कूल बिना मान्यता के चल रहा है, लेकिन स्कूल की हालत ऐसी थी कि वहां पर कोई बैठ भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी वहां पर बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। एक तरफ योगी सरकार अच्छी शिक्षा देने का बड़ा वादा करती है, तो दूसरी तरफ शिक्षा के नाम पर मासूम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं इस मामले में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ऐश्वर्या लक्ष्मी जी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनके संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं आया था, लेकिन अब इसकी सूचना मिली है और इस मामले पर जल्द ही कार्यवाही की जाएगी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ जी। मोहम्मद आरिफ। अच्छा, कौन से विद्यालय में पढ़ाते हैं आप? केआर जूनियर हाई स्कूल। केआर जूनियर हाई स्कूल कहाँ पर है? बेहपुरा। अच्छा, क्या व्यवस्था है इसकी स्कूल में? ठीक ठाक। ऐसा व्यवस्था तो क्यों व्यवस्था तो बच्चों को बैठने की नहीं है। एक 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 कक्ष में चार चार क्लासों के बच्चे पढ़ रहे हैं। नहीं सर, अगला बारिश की वजह थोड़ी व्यवस्था खराब है, लेकिन व्यवस्था हमारी ठीक ठाक व्यवस्था है सर। और कहाँ तक की मान्यता है इसकी? प्राइमरी की मान्यता हमारी, लेकिन यहाँ पर देखा दी हमने फाइल मान्यता के लिए। अच्छा, मान्यता के लिए लगा दिया, लेकिन देखा जा रहा है यहाँ पर कक्षा 10 तक के बच्चे पढ़ रहे हैं। जिन्हें कक्षा 10 वाले बच्चे नहीं है सर, कोचिंग वाले बच्चे हैं। कक्षा 10 की जी कोचिंग पढ़ रहे हैं बच्चे? नहीं, कोचिंग नहीं पढ़ रहे हैं बच्चे। नहीं सर, कोचिंग वाले बच्चे, क्योंकि ये स्कूल टाइम है, अब तो उन्हें स्कूल में होना चाहिए, इसलिए वो अपने विद्यालय में ही हैं सर। वो आ जाते हैं ना दूसरे टीचर और कोचिंग देने वाले में। ना तो बिल्डिंग ही थी इस लायक, और केवल दो रूम में सारी कक्षा 10 तक के क्लास के बच्चे दो ही कमरों में पढ़ रहे थे और दो ही टीचर थे केवल। देखिए, अभी आपके द्वारा एक प्रकरण हमारे संज्ञान में लाया गया है, आपसे हमने अभी विद्यालय का नाम नोट कर ही लिया है। खंड शिक्षा अधिकारी को इसके अभी हम तुरंत इनको खंड शिक्षा अधिकारी को दे देंगे, वो इस पर आख्या बनाकर सरकार में प्रस्तुत कराएंगे, और अगर विद्यालय बिना मान्यता के चल रहा है तो उनको बंद कराया जाएगा। नहीं मैडम, बिल्डिंग जो है इस हालत में नहीं है कि बच्चे पढ़ पाए, लेकिन उसमें फिर भी पढ़ाई हो रही है। अगर इसमें कोई हादसा हो जाता है, ऐसा मौसम है, तो इसका जिम्मेदार फिर कौन होगा? इसके जिम्मेदार वही विद्यालय वाले होंगे, हम इनको पता करवा रहे हैं किस तरह से चलवा रहे हैं।